Culture and Anarchy by Matthew Arnold, और that is a critical appreciation. अक्सर कराची यूनिवर्सिटी के जो आपका क्वेश्चन आएगा ना, या तो इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आती है ओवरऑल, या इसके दो एसेज के ऊपर जो है उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आती है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था. तो आज हम जो है इसका सेकंड फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं. पहले तो मैंने आपको समरी करवाई थी, नाउ दिस इज द डिटेल्ड क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ कल्चर एंड एनआरसी. अच्छा, कल्चर एंड एनआरसी बाय Matthew Arnold. That is not anarchy, that is anarchy. Arnold caught the public mood with this high-minded but entertaining critique of Victorian society, posing question about the art of civilized living that still perplex us today. Matthew Arnold जो है वो public mood को caught करता है, high-minded public mood को, जो still जो है वो entertain कर रहे हैं the critic of विक्टोरियन सोसाइटी. लाइक वी आर जस्ट बाउंड कि हम हमेशा विक्टोरियंस को सुपीरियर समझते हैं, उनकी सिविलाइज सोसाइटी को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं रादर देन कि वो कुछ भी कहते हैं. पोजिंग क्वेश्चन अबाउट द आर्ट ऑफ सिविलाइजेशन. अब वो पोज करता है कुछ क्वेश्चन को अबाउट द आर्ट ऑफ सिविलाइज लिविंग, उस आर्ट ऑफ सिविलाइज लिविंग को, दैट स्टिल परप्लेक्स अस टुडे, जिसकी वजह से आज भी हम कंफ्यूज्ड स्टेट के अंदर हैं. आगे देखते हैं. मैथ्यू आर्नोल्ड डिफाइंड मैगजीन एज द लिटरेचर इन अ हरी. उसने जो है ये सब कुछ एक मैगजीन में, जिसमें उसने लिखा था, पॉइंट किया था लिटरेचर इन अ हरी इन 1848 आयर ऑफ एन ईयर. सॉरी, ये आयर नहीं होगा, दैट इज देन एन ईयर. ठीक है, एन ईयर ऑफ यॉर्कमैन रेवोल्यूशन. मैथ्यू आर्नोल्ड द एल्डर सन ऑफ सेलिब्रेटेड विक्टोरियन हेड मास्टर वॉइस फियर्स अबाउट हिज सोसाइटी दैट स्टिल सीम हॉन्टिंगली प्रेसिएंट एंड टॉपिकल. आई सी अ वेव ऑफ मोर देन अमेरिकन वल्गैरिटी मॉरल इंटेलेक्चुअल एंड सोशल प्रिपरेशन टू ब्रेक ओवर अस. ही रोट आर्नोल्ड वॉज ऑल्सो अ पोएट क्रिटिक एंड एजुकेशनिस्ट ऑफ ग्रेट डिस्टिंक्शन. In Dover Beach, his finest poem, he expressed similar anxieties in some famous line. And we are here as on a darkling plane. वो कहता है हम यहाँ पे ऐसे हैं जैसे कोई darkling plane हो, अंधेरा plane हो, swept with एक अंधेरा मैदान हो, swept with confused alarms of struggle and fight. हम struggle और fight तो कर रहे हैं लेकिन confused alarms के साथ, यानी कि हमारी जो struggles and fight हैं शायद वो right direction में नहीं है, या फिर हमारे जो तसव्वुरात हैं या जो हमने चीजें जो हैं अडॉप्ट की हुई हैं, जो आइडियाज अडॉप्ट किए हैं, शायद वो कंफ्यूज्ड हैं. वी आर इग्नोरेंट एंड आर्मीज क्लैश बाय नाइट. जहाँ पे इग्नोरेंस और इग्नोरेंट आर्मीज जो हैं वो क्लैश करती हैं बाय नाइट. आर्नोल्ड वॉज एक्यूटली कॉन्शियस ऑफ द थ्रेट ऑफ इग्नोरेंट आर्मीज ड्यूरिंग 1866 to 1869, द ईयर इन विच ही इनक्यूबेटेड दिस क्लास ऑफ सोशल and literary criticism. Like many Victorian masterpieces, Culture and Anarchy began as a magazine series, and an important part of its appeal as a tour de force of magazine journalism. And a genre Arnold himself defined as literature in a hurry. अब क्या हुआ कि उसका ये जो magazine था वो इतना मतलब उसका ये जो topic था, उसका ये जो उसने लिखा कल्चर एंड एनार्ची, वो इतना मशहूर हो गया कि बकायदा उसने एक मैगजीन सीरीज इख्तियार कर ली. ठीक है, वो जो हम इसके 6 चैप्टर्स पढ़ेंगे, दैट वाज जस्ट अ मैगजीन सीरीज, और ये अच्छा खासा इसका टेक्स्ट है. तो उसने अपने आप को उसमें, उस यनरा में आर्नोल्ड ने अपने आप को कैसे डिफाइन किया, लिटरेचर इन अ हरी. ठीक है, उसने इस तरीके से उस मैगजीन में अपने आप को डिफाइन किया था. Two great events, foreign and domestic, that shaped the writings of Arnold's passionate argument for self-improvement through culture were first the European revolutions of 1866 to 1870. अब उसने क्या किया यहाँ पे, जो दो great events थे जो foreign थे, एक तो, number दो domestic, जिनकी वजह से writings of Arnold's passionate argument for self-improvement जो है वो shape हुई थी through culture were. फर्स्ट नंबर एक यूरोपियन रेवोल्यूशन
एक तो यूरोपियन रेवोल्यूशन जो कि 1866 से 70 तक हुआ, स्पेशली द राइज ऑफ क्रूजिया, और दूसरी बात वो दूसरी जो उसके दूसरा जो ग्रेट इवेंट था वो था द ग्रेट रिफॉर्म बिल ऑफ 1867 टुगेदर विद लंडन रियॉर्ड्स दैट प्रीसेडेड इट. ठीक है, और दूसरी जो ग्रेट इवेंट था वो 1867 में जो ग्रेट रिफॉर्म बिल हुआ था जो कि लंडन रियॉर्ड्स में हुआ था विद द लंडन रियॉर्ड्स लंडन रियॉर्ड्स के साथ हुआ था दैट प्रीसेडेड, जिसकी वजह से उसने ये लिखा था. ये दो ग्रेट इवेंट्स थे जिसकी वजह से उसने ये लिखा था कि कल्चर एंड एनार्की क्यों किताब लिखी गई. अभी तो हमने ये पढ़ा, लेट्स सी कि इस बुक के अंदर है क्या. इनिशियली हाउएवर, ये बैकग्राउंड है कल्चर एंड एनार्की का. इनिशियली हाउएवर दिस इज अ बुक इंस्पायर्ड बाय एंड डेडिकेटेड टू लिटरेचर, लिटरेचर को डेडिकेट की गई. आर्नल्ड वाज हिज फादर्स सन, अ पैशनेट एडवोकेट फॉर सिविलाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स एंड आइडियाज after the classical example of Greece and Rome. Arnold was also influenced by J.H. Newman's The Idea of University and was inspired to define culture as the essential means by which the provincial stupidity and boorishness of English life could be neutralized on behalf of progress. Arnold jo hai वो क्या डिफाइन करता था कल्चर को, ये वो एसेंशियल मीन है जिसकी वजह से by which provincial stupidity and boorishness of English life could be neutralized. कि जिससे ये जो provincial stupidity है और ये जो boorishness है English life की, इसको neutralize किया जाए. ठीक है, on behalf of progress, on behalf of के तरक्की करने के लिए इन चीज़ों को सबको एक neutralized form में लाया जाए ताकि जो एक तरक्की की राह पे एक कल्चर चल सके. Arnold disdain for what passed as culture, और वो हमेशा उस चीज को रिजेक्ट करता था, रिब्यूक करता था कि हमेशा कल्चर के बारे में क्या कहा गया इन विक्टोरियन टाइम्स. विक्टोरियन, देखिए डिफरेंट दौर में कल्चर की डिफरेंट डेफिनेशन आई हैं. विक्टोरियन टाइम्स के अंदर कल्चर को कहा गया था कि जी आप जो कुछ मर्जी कहें, आप जो कुछ मतलब एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आपके अंदर एक इंडिविजुअल के अंदर ये पार होनी चाहिए कि वो कुछ भी कह दे. ठीक है, तो और कुछ भी करे. तो उसने कहा कि ये जो कल्चर की डेफिनेशन थी ना, वो उसको रिब्यूक करता था, इज एविडेंट फ्रॉम हिज ओपनिंग पेज. अपने ही ओपनिंग पेज में उसने उस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया. उसने कहा कि द कल्चर विच इज सपोज्ड ऑफ प्लूम इटसेल्फ ऑन स्मैटरिंग ऑफ ग्रीक एंड लैटिन इज अ कल्चर. ठीक है, वो कल्चर जो कि सपोज किया जाता है ऑन प्लूम इटसेल्फ फॉर स्मैटरिंग ऑफ ग्रीक एंड लैटिन इज अ कल्चर विच इज बिकॉटन बाय नथिंग. ये वो कल्चर है जो किस मतलब दैट इज नथिंग, मतलब दैट इज बिगॉटन बाय नथिंग. अगर आप एक प्लूम इटसेल्फ और स्मैटरिंग, अगर आप उसके अंदर क्लैशेस पैदा कर देते हैं, स्मैटरिंग कर देते हैं, तो बिगॉटन बाय नथिंग, तो वो कुछ भी नहीं है. सो इंटेलेक्चुअल एज क्यूरियोसिटी, ना तो वो इतना इंटेलेक्चुअल है ना उसके अंदर कोई क्यूरियोसिटी है. इट इज वैल्यूड आउट ऑफ शियर वैनिटी एंड इग्नोरेंस. ये जो है शियर वैनिटी और इग्नोरेंस के तहत वैल्यू आउट होता है, और एल्स एज द इंजन ऑफ सोशल एंड क्लास डिस्टिंक्शन, या फिर ये इंजन ऑफ सोशल और क्लास डिस्टिंक्शन, यानी कि एक सोसाइटी और क्लास के अंदर जो तफरीक होती है उसके तहत वजूद में आता है, सेपरेटिंग इट्स होल्डर, जो अपने होल्डर को सेपरेट करता है लाइक बैज और टाइटल फ्रॉम द अदर पीपल हु हैव नॉट गॉट इट, जो कि जिनको ये नहीं मिलता. वो इस तरह के डेफिनेशन को रिब्यूक कर देता था. It caught the public mood and aroused in its Victorian reader about of self-analysis and self-criticism. True culture, as Arnold defined it, with reference to the glorious Hellenic past, is simply the study of perfection. अब यहाँ से जो Arnold define करता था culture की definition, वो क्या थी कि with reference to glorious Hellenic past, कि glorious अपने glorious Hellenic past के तहत, अपने तो नहीं क्या, लिटरेचर के ग्लोरियस पास के तहत जो हेलेनिक पास था, इज सिंपली स्टडी ऑफ परफेक्शन. हेलेनिक क्यों कहा गया यहाँ पे, खूबसूरती के मतलब उसकी हेलेन कहते ही, हेलेन एक खूबसूरती का मुजस्मा थी ना, हेलेन ऑफ ट्रॉय. और हेलेनिज्म किसे कहते हैं, लस्ट फॉर या एक लव फॉर ब्यूटी ऑफ ग्रीक्स. ठीक है, आर्ट ऑफ ग्रीस जो है या लव फॉर आर्ट, ग्रीक आर्ट, उसको हम हेलेनिज्म कहते हैं. ठीक है, और हेलेन जो है वो मैंने आपको बताया कि हेलेन ऑफ ट्रॉय, वो उसकी खातिर जो है बहुत सी जंगें लड़ी गई थी. तो वो उस हेलेनिक पास्ट को, उस ग्लोरियस हेलेनिक पास्ट जिसके अंदर ग्रीक
आर्ट की बहुत ज्यादा उससे मोहब्बत की गई या ग्रीक आर्ट की बहुत ज्यादा एक प्रोजेक्शन हुई वो उस हेलेनिस्टिक पार्ट यानी कि उस स्टडी ऑफ परफेक्शन की बात करता है. हेलेन उस हेलेनिक पास्ट की वो बात करता है कि जिसको वो कहा जाता है उसको सिंपली क्या कहा जाता है स्टडी ऑफ परफेक्शन द हारमोनियस एक्सपेंशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर जो कि एक हारमोनियस एक्सपेंशन है ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर इन सेंटिमेंट्स दैट वुड लेटर बी डेवलप्ड एंड एनरिच्ड बाय मोर फेवरिश इमेजिनेशन ऑफ ऑस्कर वाइल्ड. ऑस्कर वाइल्ड के तहत फॉर हूम कल्चर वॉज एट वन सैक्रोसैंक्ट एंड सबलाइम आर्नल्ड बिलीव दैट ऑस्कर वाइल्ड के तहत कल्चर जो है वो सैक्रोसैंक्ट और सबलाइम है. आर्नल्ड क्या कहता है कल्चर के बारे में दैट अ फुल एप्रीहेंशन ऑफ वर्च्यूज मस्ट बी अटेन्ड बाय आवर नॉलेज कि उसकी जितनी भी एप्रीहेंशन ऑफ वर्च्यूज हैं वो एक नॉलेज के तहत अटेन होनी चाहिए ऑफ द बेस्ट दैट हैज बीन सेड एंड थॉट इन द वर्ल्ड जो कि दुनिया में कही जाती हैं और दुनिया में सोची जाती हैं उन एप्रीहेंशन ऑफ वर्च्यूज यानी कि वर्च्यूज किसे कहते हैं नेकी अच्छाई ठीक है उन एप्रीहेंशन ऑफ वर्च्यूज जो कि अटेन की जाती है नॉलेज के तहत उसकी बेस्ट सूरत में जो कि दुनिया में कही भी जाती है और दुनिया में सोची भी जाती है बाय द फ्री प्ले ऑफ माइंड जिसमें आपकी सोच का एक फ्री प्ले होता है आपके दिमाग का एक फ्री प्ले होता है यानी कि आपकी सोच जहां तक जा सकती है ओवर द फैक्ट्स ऑफ द लाइफ फ्री प्ले ऑफ माइंड ओवर द फैक्ट्स ऑफ लाइफ यानी कि आपकी सोच जो दुनिया के फैक्ट्स को जानती है एंड बाय द सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल दैट इज ब्यूटीफुल और उसकी तरफ जो सिंपैथेटिक एटीट्यूड होता है वो टुवर्ड्स ऑल दैट इज ब्यूटीफुल वो ही ब्यूटीफुल होता है और बेसिकली हेलेन मैंने बताया ना दैट इज अ स्लोगन ऑफ ब्यूटी ठीक है लस्ट फॉर ब्यूटी लस्ट फॉर ग्रीक आर्ट जो है अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था तो दैट इज बेसिकली द लव फॉर ब्यूटी द लव फॉर आर्ट इन वन टिपिकल पैसेज ही एक्सप्रेसेस हिज आर्गुमेंट दस आई हैव बीन ट्राइंग टू शो दैट कल्चर इज सो इज ऑट टू बी द स्टडी एंड परस्यूट ऑफ परफेक्शन वो कहते हैं कि कल्चर जो है वो एक स्टडी ऑट टू बी हो सकता है कि वो एक स्टडी और परस्यूट ऑफ परफेक्शन हो एंड दैट ऑफ परफेक्शन एज परस्यूड बाय कल्चर ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस और ये परफेक्शन कैसे हासिल होती है परस्यू इन अ कल्चर कैसे कल्चर के अंदर ये परफेक्शन आती है बाय ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस और इन अदर वर्ड्स स्वीटनेस एंड डिलाइट या स्वीटनेस और डिलाइट के तहत आती है आर द मेन कैरेक्टर ये उसके मेन कैरेक्टर्स हैं और उसके एक चैप्टर का नाम है जो चैप्टर नंबर वन है दैट इज स्वीटनेस एंड लाइट स्वीटनेस एंड लाइट सॉरी फिर आर्नल्ड फेमस बोरिंग फ्रॉम जॉनस स्वीट स्वीटनेस एंड लाइट ये इसका फर्स्ट चैप्टर है एक्सप्रेसेस कल्चर एज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट स्वीटनेस कल्चर जो है उसको एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट दिया गया कि वो स्वीट है ठीक है उसके अंदर स्वीटनेस है एज अ मेच्योर सेंस ऑफ ब्यूटी क्योंकि हर कल्चर जो है एक स्ट्रॉन्ग कल्चर जो होता है उसके अंदर एक मेच्योर सेंस ऑफ ब्यूटी होती है एंड लाइट और वो उस कल्चर को लाइट भी कहता है एज द एक्सरसाइज ऑफ एन अलर्ट एंड एक्टिव इंटेलिजेंस और लाइट क्यों कहता है लाइट किसे कहते हैं यानी कि इग्नोरेंस से आप लाइट की तरफ आते हैं आपके अंदर एनलाइटमेंट आती है एक कल्चर से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं तो आपके अंदर एक लाइट आती है आप उससे कुछ अच्छाई जो है वो जो है हासिल करते हैं लाइक अगर जो है हम अपने कल्चर की बात करते हैं हम मुसलमानों के कल्चर की बात करते हैं उससे हमें क्या लाइट हासिल होती है उसमें उससे हमारे अंदर क्या एनलाइटमेंट आती है कि हमारे अंदर टॉलरेंस ज्यादा होनी चाहिए एक्सट्रीमिज्म नहीं होनी चाहिए इस्लाम इज द नेम ऑफ पीस ठीक है तो दैट इज द मेच्योरिटी ऑफ आवर कल्चर और दैट इज द स्वीटनेस ऑफ आवर कल्चर कि वी आर जस्ट लाइक दैट यू कैन ऑल्सो अगर आपको वहां पे डिफाइन करना आ जाए तो आप ये जो है डिफाइन कर सकते हैं वहां पे अपनी जो है एग्जाम्पल दे सकते हैं ये वाली कि किस तरह से एक कल्चर स्वीट होता है और किस तरह से एक कल्चर मेच्योर होता है कि कितना एक कल्चर जो है वो उसके सेंस ऑफ ब्यूटी क्या है और उसके अंदर एनलाइटमेंट कितनी है लाइट एज द एक्सरसाइज ऑफ एन अलर्ट एंड एक्टिव इंटेलिजेंस कैसे वो लाइट जो है एक्सरसाइज करती है एक अलर्ट और एक्टिव इंटेलिजेंस के ऊपर ऑल्दो द ओवरऑल एक्सप्रेशन ऑफ दिस बिलीव रीक्स ऑफ विक्टोरियन हाई माइंडेडनेस और ये अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन है इस बिलीफ का
ये विक्टोरियन हाई माइंडेडनेस को रीक करता है. ऑल्दो आर्नल्ड गिव बोथ पर्पस एंड डायरेक्शन टू एन आर्टिकुलेट क्रिटिक ऑफ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी. और आर्नल्ड जो है दोनों ही पर्पस और डायरेक्शन देता है एक आर्टिकुलेट और क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी. जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी लॉन्च हुई, आपको पता है ये सारी जितने भी क्रिटिसिज्म लाइक आर्नल्ड की है या मोस्टली जो रेनेसां स्टार्ट हुआ, वो रेनेसां के फौरन बाद जो है ना एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हुई जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहते हैं. उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बन गई, साइंस ने तरक्की की, डिफरेंट जो है बहुत सारे इलाके जो है वो एक्सप्लोर हुए. एक्सप्लोरेशन के साथ साथ जब साइंस ने तरक्की की तो उन्होंने इंडस्ट्रीज लाइक साइंस ने जब तरक्की की तो बहुत सी इंडस्ट्रीज भी वजूद में आ गई. अब ये जितने भी जर्मनी थे, फ्रांस थे, ब्रिटेन था, ये विक्टोरियन यहाँ पे बार बार विक्टोरियन हाई माइंडेडनेस यानी कि ये वही जो है ब्रिटिश की ही बात हो रही है कि जब वहां पे जर्मनी और फ्रांस के अंदर इतनी ज्यादा वहां पे एक मशीन वाला दौर स्टार्ट हो गया तो फिर क्या हुआ कि एक लूट का वहां पे बाजार लग गया. लाइक जब इतनी ज्यादा वहां पे जब एकदम से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो जाहिर बात है इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए था, चीप लेबर भी चाहिए थी और जो है एसेट्स भी चाहिए थे, लैंड भी चाहिए थी. अब क्या हुआ कि जब इन ममालिक के अंदर इन चीजों की कमी हो गई, ठीक है, उसके बाद ब्लैक डेथ हुई, ब्लैक डेथ में बहुत सारे लोग मर गए, लेबर्स की कमी हो गई, फिर इन ममालिक ने इन ब्रिटिश जितने भी इंपीरियलिस्टिक एटीट्यूड्स हैं, सॉरी इंपीरियलिस्टिक नेशंस हैं, इन्होंने किस तरफ को रुख किया, इन्होंने टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो कि अनडेवलप्ड कंट्रीज थे उनकी तरफ ये कह के रुख किया कि हम आपकी जो ममालिक हैं उनको सिविलाइज करने आ रहे हैं, ठीक है, हम आपके ये जो ब्रूटल सेवेजेस कस्टम्स हैं, हम सेवेज कस्टम हैं, हम उनको खत्म करने आ रहे हैं. तो फाइनली क्या हुआ कि इन्होंने सिविलाइजेशन के नाम पे और कल्चर के नाम पे उन ममालिक को बहुत ज्यादा लूटा और वहां से बाकायदा चीप लेबर भी इनको वहां पे मिली, इनको वहां पे चीप लैंड भी मिल गई और इनको वहां पे रॉ मटेरियल भी मिल गया. जाहिर बात है अब जर्मनी और फ्रांस में जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज कायम हो गई थी तो एक मशीनी दौर शुरू हो गया था जिसकी वजह से वहां पे लैंड की भी कमी हो गई, लेबर की भी कमी हो गई, रॉ मटेरियल की भी कमी हो गई, ठीक है. तो फिर फाइनली फिर इन लोगों को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के तरफ सफर करना पड़ा और वहां से फिर ये सस्ता रॉ मटेरियल और सस्ती जो लेबर है वहां से आती थी और फिर इनकी इंडस्ट्रीज चलती थी. कल्चर एंड एनार्की अपीयर्ड इन बुक फॉर्म जस्ट वन ईयर बिफोर फॉस्टर्स ऑल इम्पोर्टेंट एजुकेशन एक्ट ऑफ 1870 एंड इट पोस्ट क्वेश्चन दैट स्टिल परप्लेक्स अस टुडे. What kind of life should individual in mass societies be encouraged to lead? कि एक individual को एक mass society में इतनी बड़ी societies के अंदर एक individual को individuals को किस तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए? How do such societies best ensure? और किस तरह से ये जो societies हैं ये best ensure करेंगी कि our quality of life is not improvised, कि हमारा quality of life जो है वो improvised नहीं है. How to preserve an elevated and exclusive freedom of thought in an age of democratic fervor? और किस तरह से preserve किया जाए एक elevated और exclusive freedom of thought को एक age of democratic fervor के अंदर? ये खैर एक extra paragraph है, बेशक आप निकाल दीजिएगा. Opposed to this exotic desertion of an ideal version of good life, there was the vulgarity, vigor and vehemence of Victorian England at its zenith. अगर देखा जाए कि वो एक version of good life जो है ये Victorian England देता था, लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक vulgarity, vigor और एक बहुत बुरा, एक vehement, खौफनाक किस्म का Victorian England जो है वो नजर आता था at its zenith, जो अपनी peak पे था, जो अपनी zest and zeal पे था. This Arnold argues that was a heedless and exuberant individualism replied with prejudice, greed, xenophobia, racism, intolerance and aggression. Ab Arnold jo hai wo kya argue karta hai ki this was a heedless and exuberant individualism,
कि ये जो विक्टोरियन इंग्लैंड का जो कल्चर था जो कि वो गुड लाइफ के नाम पे प्रमोट कर रहे थे वो क्या था, वो एक हीडलेस और एग्जिबरेंट इंडिविजुअलिज्म थी जो कि रिप्लेट थी, भरी हुई थी फुल ऑफ प्रेजुडाइस जो कि उनके अपने प्रेजुडाइस ये खुद ही करते थे. ग्रीड क्यों करते थे, क्यों लालची थे, दे वर हंग्री फॉर चीप लेबर चीप लैंड एंड चीप रॉ मटेरियल. ठीक है, तो वो इनकी ग्रीड थी जिसकी वजह से इन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरफ रुख किया था और अपनी मर्जी के इन्होंने रॉ रूल्स बनाए थे ऑन द नेम ऑफ कल्चर. फिर ज़ेनोफोबिया, रेसिज्म. रेसिज्म कहते हैं अपने आप को बढ़कर समझना और बाकियों को कम समझना. रेसिज्म कहते हैं कि किसी को गोरे और उसमें तफरीक करना. लाइक ये लोग अफ्रीकन्स को ब्लैक कहते थे और खुद ये वाइट्स कहलाना पसंद करते थे और खुद को ये सुपीरियर समझते थे और बाकियों को इंफीरियर समझते थे. तो अपनी नस्ल को बढ़कर समझना और औरों को कमतर समझना. मोर ओवर हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं हम हमेशा क्या बात करते हैं अंग्रेजों के बारे में, गोरा ये कहता है गोरा वो कहता है. दैट इज द रेसिज्म ऑल्सो इन अस कि हम उनको खुद से सुपीरियर समझते हैं. ठीक है, दैट इज ऑल्सो द रेसिज्म. फिर इनटॉलरेंस. इनटॉलरेंस इन्हीं की तरफ से थी, विक्टोरियन इंग्लैंड की ही तरफ से थी. और एग्रेशन भी इन्हीं की तरफ से देखी गई. दैट वुड लीड टू एनार्की जिसकी वजह से दुनिया में एनार्की फैली. ठीक है, he nails this claim that by showing how Victorian barbarism affected all the strata of national life. और उसने ये claim किया था, he nails the claim कि उसने किस तरह से कि किस तरह Victorian barbarism ने affect किया है national life को. ठीक है, strata of national life को कितना affect किया. उसके बाद वो कहता है इन सम ऑफ हिज विटीएस्ट एंड मोस्ट एंटरटेनिंग पैसेजेस आर्नल्ड डिवाइडेड इंग्लिश सोसाइटी इनटू थ्री क्लासेस. तीन क्लासेस में वो डिवाइड करता है, द बारबेरियंस, द पैलेस्टाइन्स एंड द पॉपुलेस. अभी तो हमने पढ़ा कि स्वीटनेस और लाइट के बारे में. ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसका सेकेंड चैप्टर है, दैट इज बारबेरियंस द पैलेस्टाइन्स एंड पॉपुलेस विद एन ऑलमोस्ट ऑडिबल साइन. सॉरी, that is the third chapter, barbarians and palestinians and populace. इससे पहले था कि वो जो who likes so. ठीक है, with an almost audible sign he complains it is awkward and tiresome to always saying the aristocratic class, the middle class and the working class. और वो कहता था ये बिल्कुल tiresome है कि हम इनको aristocratic, middle class और working class कहें. उसने क्या कहा था, बारबेरियंस उसने एरिस्टोक्रेटिक क्लास को कहा था, पैलेस्टाइन्स उसने मिडिल क्लास को कहा था और पॉपुलेस उसने वर्किंग क्लास को कहा था. पॉपुलेस उसने वर्किंग क्लास इसलिए कहा कि जो गरीब लोग होते हैं वो वर्किंग क्लास होती है. और इसकी सारी मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे पॉपुलेस के. और पैलेस्टाइन्स जो थे उनको मिडिल क्लास कहते थे जो कि इमर्जिंग क्लास थी. और बारबेरियंस जो है एरिस्टोक्रेटिक क्लास को कहा जाता था. बारबेरियंस ऐसे लोगों को कहते हैं जो कि वैश्य होते हैं, जो कि अपनी मनमानी करते हैं, जो कि हर जगह दंगे फसाद करते हैं. तो वो कहते थे कि ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है क्योंकि इनके अंदर सेंस ऑफ अथॉरिटी बहुत ज्यादा होती है तो ये हर जगह जाके ये प्राउड होते हैं, ये रिच होते हैं. और ये जो है बारबेरियंस इनको इसलिए कहा था. द बारबेरियंस और एरिस्टोक्रेसी ही सेज हैव अ सुपरफिशियल स्वीटनेस एंड डिलाइट. और वो कहते थे कि उनकी जो स्वीटनेस और लाइट होती है ना उनके हिसाब से जो कल्चर होता है वो बहुत सुपरफिशियल होता है, ऊपरा होता है. बट आर टू कंसर्न्ड विद द मेंटेनेंस एंड एंजॉयमेंट ऑफ देयर प्रिविलेजेस टू अटेन अ ट्रू सेंस ऑफ ब्यूटी एंड अ ट्रू लिबरेशन ऑफ थॉट. अब ये जो बारबेरियंस होते हैं उनका जो कल्चर होता है ना बस सुपरफिशियल होता है. जो एलीट क्लास होती है वो किस चीज से कंसर्न होती है ज्यादा, कि वो मेंटेनेंस करें और एंजॉयमेंट करें अपने प्रिविलेजेस को. जो उनको उनके पास जो प्रिविलेजेस हैं, जो उनके पास आसाइशें हैं वो उनको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रू सेंस ऑफ ब्यूटी के लिए और ट्रू सेंस ऑफ थॉट के लिए. ये उनकी स्वीटनेस और लाइट है. ठीक है, उनकी स्वीटनेस क्या है, ट्रू सेंस ऑफ ब्यूटी. और वो किसको यूज करते हैं, अपनी दौलत को किसके लिए यूज करते हैं, स्वीटनेस और लाइट के लिए यूज करते हैं. स्वीटनेस का मतलब है ट्रू सेंस ऑफ ब्यूटी एंड लाइट का मतलब है लिबरेशन ऑफ थॉट. अच्छा, फिर वो कहते हैं कि बारबेरियंस हैड द पैशन फॉर फील्ड स्पोर्ट्स. उनके अंदर फील्ड स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा पैशन होता है, खेलने के बड़े शौकीन होते हैं. एज ऑफ पैशन फॉर एजर्टिंग वंस पर्सनल लिबर्टी
और वो एजर्ट करते हैं एक एक पर्सनल लिबर्टी को बहुत ज्यादा, यानी कि अगर एक औरत है उसकी अच्छे घर में शादी हो जाती है तो उसका मेन टास्क क्या होगा, मैं टीवी चलाऊं और एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। फाइनली उसको यही होगा कि अगर इतना पैसा है तो फ्री लिबर्टी होनी चाहिए, मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है, बच्चे मेड संभाल लें, मैं जो है जनाब टीवी देखूं, मैं पार्लर चली जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। तो ये तो एक औरत की कहानी है, और मर्दों का भी यही हिसाब किताब होता है, द केयर फॉर बारबेरियंस फॉर द बॉडी एंड फॉर ऑल मैनी, और वो किस चीज की केयर करते हैं, फॉर द बॉडी, अपनी जात के, उनका मेन जो उनका जो होता है जो मेन इंटरेस्ट होता है वो उनकी अपनी जात होती है, एंड फॉर ऑल मैनी एक्सरसाइजेस द शिवैलरी ऑफ बारबेरियंस विद ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई स्पिरिट, और फॉर ऑल मैनली एक्सरसाइजेस, अगर तमाम मैनली मर्दाना एक्सरसाइजेस में उनको देखा जाए तो वो जो शिवालरी कहते हैं, शिवालरी सोल्जर्स, ठीक है, उनकी बहादुरी को कहा जाता है कि ये जो बहादुरी होती है मैनली एक्सरसाइजेस या बहादुरी होती, बहादुरी को देखा जाए इन बारबेरियंस की, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई स्पिरिट के हिसाब से चॉइस मैनर्स, उनके चॉइस मैनर्स और डिस्टिंग्विश बेरिंग के हिसाब से, तो वट इज दिस बट पोलाइटनेस ऑफ आवर एरिस्टोक्रेटिक क्लास, तो ये जस्ट क्या होगी, हम क्या समझते हैं कि जी ये उनकी पोलाइटनेस है ऑफ आवर एरिस्टोक्रेटिक क्लास, यानी कि चढ़ते सूरज को सलाम, द पैलेस्टाइन्स और मिडिल क्लासेस आर डिवोटेड टू मनी मेकिंग, ये तो अब हमने पढ़ लिया कि जी एलीट क्लास जो है वो एक कल्चर के अंदर किस तरह से बिहेव करती है, अब देखते हैं कि पैलेस्टाइन्स और मिडिल क्लासेस जो है वो एक कल्चर के अंदर कैसी बिहेव करती है, वो क्या करती हैं, वो मनी मेकिंग में लगी हुई होती हैं एंड अ नैरो फॉर्म ऑफ रिलीजन, और वो नैरो फॉर्म ऑफ रिलीजन को फॉलो करती हैं, दे आर इंडिफरेंट और हॉस्टाइल टू ब्यूटी, और वो इनडिफरेंट यानी कि उनको ब्यूटी की कोई इतनी ज्यादा जो है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होते, हॉस्टाइल टू ब्यूटी यानी कि उनको कोई ब्यूटी की तरफ इतना कोई खास रुझान नहीं होता, हॉस्टाइल कहते हैं किसी की तरफ दुश्मनी होना, यानी कि उनके थोड़े इनडिफरेंट, जबकि बारबेरियंस जो हैं दे आर उनका मेन क्या था कि वो लिबर्टी और ब्यूटी की तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, ये इतने ज्यादा नहीं होते, एंड दे आर द एनिमी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लाइट, और वो एनिमी होते हैं चिल्ड्रन ऑफ लाइट और सर्वेंट्स ऑफ द आइडियाज, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके अंदर कोई टैलेंट होता है या उनका जो है उनके अंदर कोई ऐसी चीज होती है, यानी कि एक जो मिडिल क्लास का बंदा होता है ना जो बिजनेसमैन होता है वो चाहेगा कि उसका बेटा भी बिजनेसमैन ही बने, तो अगर वो उनके बच्चे जो है इनके अंदर एक अजीब सी एक जिसे कहना चाहिए एक मैनलीनेस होती है या इनके अंदर एक अजीब सा एक सी एक डोमिनेंस होती है और सर्वेंट्स ऑफ आइडियाज को वो पसंद नहीं करते, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ आइडियाज यानी कि ऐसे लोग जो अपने जो इनोवेटिव होते हैं उनको ये पसंद नहीं करते, ठीक है, तो ये इस तरह के लोग होते हैं क्योंकि इनका मेन टारगेट क्या होता है, मनी मेकिंग, तो मनी मेकिंग जब आप पैसा कमाने में लग जाते हैं फिर आपको सिर्फ पैसा नजर आ रहा होता है, उसके रास्ते में कोई भी चीज आप उसके ऊपर सेक्रीफाइस नहीं करते, ठीक है, अगर कोई आइडिया भी आता है तो आइडिया को इम्प्लीमेंट करते करते आपका बहुत टाइम गुजर जाता है, फिर जाके आप पैसा कमाते हैं, तो ये जो बिजनेसमैन क्लास होती है ना वो ना तो चिल्ड्रन ऑफ लाइट के एनिमी होते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके अंदर इनोवेटिवनेस होती है या इनके जो सर्वेंट्स ऑफ आइडियाज होते हैं आइडिया होते हैं उनको ये उनके ये हॉस्टाइल होते हैं, उनके ये दुश्मन होते हैं। फाइनली द रोडी पॉपुलेस आर वायलेंट इन देयर प्रेजुडाइसेस, अब जो लास्ट जो लोअर क्लास है लोअर तबका है जो गरीब तबका है वो किस तरह का होता है, वो वायलेंट होता है अपने प्रेजुडाइसेस में और ब्रूटल इन देयर प्लेजर्स, और वो अपने प्लेजर्स में ब्रूटल होते हैं, बहुत जालिम होते हैं। बट ऑल थ्री ग्रुप्स आर एग्रीड दैट डूइंग एज वन लाइक इज द चीफ एंड ऑफ मैन, के अगर आप थ्री ग्रुप्स को देखें कि ये है ना ये है एक्चुअली चैप्टर आपका अक्सर आता है क्वेश्चन डूइंग एज वन लाइक इसके ऊपर क्रिटिकल एप्रिसिएशन, अब देखें ये तीनों अपने तौर पे खुद ही परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, डूइंग एज वन लाइक इज द चीफ एंड ऑफ द मैन, कि ये है एक्चुअली चीफ एंड ऑफ द मैन एंड ऑल आर सेल्फ सेटिस्फाइड, और ये तीनों जो ग्रुप्स हैं ये खुद ही सेटिस्फाइड हैं कि जी हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एज अ मैगजीन राइटर ऑफ द जीनियस आर्नल्ड डेजल हिज रीडर विद एंट्रेंसिंग contemporary detail, for instance the case of Mr. Smith who feared he would come to poverty and eternal loss,
अब जो है ऑर्नल्ड डेसल करता है अपने रीडर्स को, ठीक है, थोड़ा सा झटका देता है विद इंटरेस्टिंग कॉन्टेम्पोरेरी डिटेल. कॉन्टेम्पोरेरी यानी कि जो उसके हम असर किसी की वो उसने डिटेल दी अपने किसी जानने वाले की. फॉर इंस्टेंस उसने मिस्टर स्मिथ के केस को बताया कि जो कि जिसको ये डर लगता है कि फियर्ड ही वुड कम टू पॉवर्टी, कि शायद वो जो है गरीब हो जाएगा, लेकिन जिसके पास पैसा उसको पैसा छिन जाने का खौफ तो होता है. एंड बी एटर्नली लॉस्ट, और शायद वो हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा. टू गेट रिफॉर्म क्राइसिस एंड टू द कमर्शियल वैल्यूज ऑफ विच वर्किंग पीपल हैड बीन बिकम एनस्लेव्ड. देयर आर सो मेनी टॉपिकल जोक्स इन टेक्स्ट नाइसली एक्सप्लिकेटेड in Cambridge University Press edition of Culture and Anarchy edited by J. Dover Wilson, which indicate Arnold's wry and subtle sense of humor. He comes across, yahan pe wry ki jagah na aap wit kar le isko. Wit kar le isko. Okay. Wit and subtle sense of humor. He comes across as the kind of man you would be happily struck with on a wet afternoon in the country. His sensibility is supremely English, exquisitely well-read, and exceedingly sophisticated. In a future analysis of English preference for putting action before thought, Arnold distinguishes two forces, which he described as Heberism and Hellenism. That is also a very important chapter. Iske saab se bhi question aa jata hota hai. The former is concerned with resolute action and strict obedience to conscience, the latter with clear thinking and spontaneity of consciousness. Jo former hai, yani ki Heberism jo hai, wo kisse concerned hai? Resolute action or strict obedience to conscience. Ki aap apne zameer ki mukammal awaaz sunen aur uske tahat faisle karein, uska ehtiram karein, uske obedience ikhtiyar karein. और लेटर जो है वो किसको कहता है, थिंकिंग एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस. और दूसरा जो यानी कि हेलेनिज्म जो है वो थिंकिंग यानी कि माइंड से ताल्लुक रखता है. एक जो है हेबरिज्म जो है वो आपके फेथ और रिलीजन से ताल्लुक रखता है, हेलेनिज्म जो है आपकी थिंकिंग और स्पॉन्टेनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस से ताल्लुक रखता है. फेवरिंग बोथ, आर्नल्ड सेज दैट व्हेन हारमोनियसली कंबाइंड दे लीड टू द परफेक्ट बैलेंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स नेचर व्हिच इज द डिजायरेबल एंड ऑफ कल्चर. The excessive development of one quality over the other, he suggests, result in imperfection. वो कहता है कि अगर excessive development of one quality हो, यानी कि अगर Heberism जो है वो Hellenism के ऊपर हावी कर दी जाए या Hellenism Heberism के ऊपर हावी कर दी जाए तो एक कल्चर के अंदर एक imperfection कायम हो जाएगी. इससे पहले हमने क्या देखा कि वो जो तीनों थे barbarism barbarians और उसके बाद जो है हमने जो बाकी middle class के बारे में पढ़ा था और फिर हमने lower class के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि अब ये तीनों जो है अपनी मर्जी से ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं. अब वो Heberism और Hellenism अगर उनके ऊपर अप्लाई की जाए तो वो कहते हैं इन दोनों का बैलेंस हो तो एक परफेक्ट कल्चर वजूद में आएगा, अदरवाइज ये एक इम्परफेक्शन हो जाएगी. आप पूरे के पूरे रिलीजियस या फेथ के ऊपर भी जिंदगी नहीं गुजार सकते, आप खाली हेलेनिज्म के ऊपर भी जिंदगी नहीं गुजार सकते. Heberism with its insistence on conduct is more essential. Heberism को अगर देखा जाए तो वो किस चीज पे जोर देती है, ऑन द कंडक्ट, आपके रवैये के ऊपर, जो कि ज्यादा एसेंशियल है. आपका इखलाक जो है वो बहुत ज्यादा, आपके रवैये जो है वो बहुत ज्यादा काउंट करते हैं. एंड इट्स ट्रियम्फेड विद द क्रिश्चियनिटी, और ये किसके साथ ट्रियम्फ करती है, क्रिश्चियनिटी के जरिए. हाउएवर द रिएक्शन दैट फॉलोड द पेगन कहते हैं नॉन बिलीवर्स को, रिवाइवल ऑफ 16th सेंचुरी लेड इट्स ओवर डेवलपमेंट इन टू प्यूरिटनिज्म, a disciplined intolerance of beauty and free intelligence. Jabke pagans ka jab revival hua 16th century mein to inhone kya kiya, over development into puritans jo the wo christians hi the lekin wo beauty ko aur love ko pasand nahi karte the. They were totally intolerant of beauty, yani ke na to wo kehte the ke insaan ko duniya ke andar matlab koi khoobsurti ke piche bhagna nahi chahiye, तो वो इस तरह के थे. ठीक है, लव जो है वो उनकी जिंदगियों में बिल्कुल ही जैसे कहना चाहिए मना था. अकॉर्डिंग टू आर्नल्ड द इंग्लिश मिडिल क्लास इज स्टिल डोमिनेटेड बाय प्यूरिटनिज्म, और आर्नल्ड के तहत इंग्लिश मिडिल क्लास जो है
was still dominantly by Puritanism, despising art and mental cultivation as an end in itself. Through a revival of the best in Hellenism in language that anticipates Oscar Wilde, Matthew Arnold would bring sweetness and light to the English middle class. अगर ऑस्कर वाइल्ड को एंटिसिपेट किया जाए तो मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो एक्चुअली स्वीटनेस और लाइट लेके आया था इंग्लिश मिडिल क्लासेस में एंड ही वुड ओवरकम द अनथिंकिंग इंडिविजुअलिज्म ऑफ ऑल क्लासेस बाय डेवलपिंग द आइडिया ऑफ राइट रीजन एम्बॉडीड इन द स्टेट और फिर एंड में उसने क्या कहा था कि ये जो है ही वुड ओवरकम उसने कहा था कि ही वुड ओवरकम द अनथिंकिंग इंडिविजुअलिज्म कि ये जो अनथिंकिंग इंडिविजुअलिज्म है तमाम क्लासेस की उसने एक आइडिया डेवलप किया था अबाउट द राइट रीजन जो कि एम्बॉडी होना चाहिए एक स्टेट के अंदर उसने कहा कि आप कोई भी कल्चर तब जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर उसको राइट रीजन के तहत फॉलो किया जाए बाय इट्स विट इट्स पिथी डेफिनेशन एंड इट्स पोटेंट चार्म कल्चर एंड एनार्की कॉट द पब्लिक मूड एंड अराउज्ड इन विक्टोरियन readers and amid season both of bout of self analysis even criticism whose influence lingered for decades as one later commentator observed the evils of English society its attack and remedies its purposes are by no means out of date usne kaha ye jo evil of English society hai इट्स अटैक्स उनके जो अटैक्स हैं और उसकी जो रेमेडीज हैं इट पर्पसेस आर नो मींस ऑफ आर बाय नो मींस आउट ऑफ डेट वो कहता है अब ये सारे आउट ऑफ डेट हो गए ये जो इंग्लिश सोसाइटी जो क्लेम करती थी कल्चर के बारे में वो सब अब आउट ऑफ डेट है आर्नल्ड माइट बी सरप्राइज्ड बाय द वर्डिक्ट इन हिज क्लोजिंग पैराग्राफ ही नोटेड नोट्स आयरोनिकली दैट नाउ वी गो द वे ह्यूमन रेस इज गोइंग वो कहता अब हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जिसपे ह्यूमन रेस जा रही है चल रही है या उसको जाना चाहिए वाइल दे द लिबरल्स एबॉलिश द आयरिश चर्च बाय पावर ऑफ नॉन कंफर्मिस्ट्स जबकि ये जो लिबरल्स हैं इन्होंने एबॉलिश किया है आयरिश चर्च को बाय द पावर ऑफ नॉन कंफर्मिस्ट को एंटीपैथी टू एस्टैब्लिशमेंट और दे एनेबल अ मैन टू मैरी हिज डिसीज्ड वाइफ सिस्टर और शायद उसने एनेबल कर दिया है एक इंसान को कि वो अपनी मरी हुई बीवी की बहन से शादी कर ले यानी कि वो कह रहा है कि अगर ये एक तरफ से जुल्म करना छोड़ते हैं तो दूसरी तरफ से जुल्म करना शुरू कर देते हैं इन्होंने जो है आयरलैंड के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया ब्रिटेन ब्रिटिश ने तो वो फिर उसको वो कहता है कि अगर ये इतने ही कल्चर के को प्रमोट करते हैं तो फिर ये आयरिश आयरलैंड के ऊपर इन्होंने अटैक क्यों किया उसको इन्होंने इन्वेड क्यों किया अ सिग्नेचर सेंटेंस But finally, perfection as culture, from a thorough, disinterested study of human nature and human experience, learns to conceive it. It is harmonious expansion of all the parts. ये एक harmonious expansion है कि तमाम parts जो एक harmonious, एक तवाज़ुन के तहत expand करें, which make the beauty, जो कि beauty भी make करें, and worth of human nature और human nature की worth को show करें. And it is not consistent with overdevelopment of any one part. और ये कोई कल्चर हम ये नहीं कह सकते कि एक पार्ट या इंग्लिश ब्रिटिश पार्ट जो है वो अपनी ओवर डिवेलपमेंट कर दे एट द एक्सपेंस ऑफ द रेस्ट यानी कि बाकी टेरिटरीज के एक्सपेंस पे यानी कि जैसे ये लोग अपनी पार कैसे एक्सपेंड करें जो इनके जो गरीब ममालिक थे इन्होंने उनके ऊपर अटैक्स किया और उनके लोगों को भी इस्तेमाल किया उनकी लैंड को भी इस्तेमाल किया तो उसने कहा कि एक हारमोनियस एक्सपेंशन होनी चाहिए और जो कि ब्यूटी भी मेक करे और वर्थ ऑफ ह्यूमन नेचर भी हो और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक पार यानी कि एक सुपर पार जो है बाकी ममालिक बाकी जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनके ऊपर वो जो है मतलब उनके एक्सपेंस के ऊपर या उनको इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दें तो ये दैट इज योर होल culture and anarchy that has ended